तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 40,000 के बजट रेंज में कौन से बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं जो आप अभी के टाइम पे बाय कर सकते हो वो बताने वाली हूँ। लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ कि अभी के टाइम पे आप 25,000 से 30,000 भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्मार्टफोन बाय करने के लिए, तब भी आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इस बजट प्राइस रेंज में। बट अगर आप तब भी चाहते हो कि आपको और भी अच्छी परफॉर्मेंस मिले, और भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो स्पेसिफिकेशन आप चाहते हो कि नहीं और भी अच्छी चाहिए, तो तब आप यहाँ पे 40,000 आप स्पेंड कर सकते हो। और अभी जो मेरे पास फोन्स के लिस्ट है आपको बताने के लिए, वो आपको बहुत ही अच्छे बजट प्राइस पे मिलने वाली है एंड काफी अच्छे डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ की प्रायोरिटी अगर 25,000 से 30,000 के फोन बाय करने की है, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है। अगर अभी तक आपने जाके नहीं देखा है तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। एंड आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। के लिए परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको दो फोन देखने चाहिए। अगर आपके लिए बैटरी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे भी रहती है परफॉर्मेंस के साथ साथ, तो यहाँ पे आप OnePlus 12R को देख सकते हैं। ये एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन है, प्लस इसके अंदर आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। एंड इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो भी 1.2 मिलियन प्लस आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर मिल जाता है, जिसके अंदर आप हाई सेटिंग्स पे गेमिंग खेल सकते हैं, 90 FPS पे आप गेमिंग खेल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ, तो इस फोन का जितना भी हमने टेस्ट किया था, ये परफॉर्मेंस के मामले में भी, बैटरी लाइफ के मामले में भी काफी अच्छा है। आपको यहाँ से 1.5 से 2 दिन का यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है 100W के चार्जिंग स्पीड को। इसके अलावा यहाँ पे आपको LTPO एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 45 मिनट्स की पिक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। इवन मैं ये भी बोलूंगी कि इस फोन का कैमरा भी काफी अच्छा है, यहाँ पे हमने फोटोज भी लेके देखे थे, ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका कैमरा भी इस फोन का काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का, जिसमें आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा, आपको यहाँ पे 16 MP का वाइड कैमरा मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो जो इसका 8GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरिएंट है, वो आपको कॉस्ट करने वाला है 39,999 का। तो यहाँ पे अगर आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, सॉफ्टवेयर भी अच्छा चाहिए, तो आप डेफिनेटली OnePlus 12R को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। परफेक्ट फोन है आपके लिए। इसके अलावा जो अभी दूसरा फोन है IQ Neo 9 Pro को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, अभी के टाइम पे जब हमने इसका प्राइस चेक करा है, जो ये बेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो जो इसका प्राइस रेंज है, जो 8GB रैम प्लस 128GB जो स्टोरेज वेरिएंट है, वो आपको कॉस्ट कर रहा है 34,999 का। एंड इनफैक्ट आप ये सोचिए, अगर आप इस पे भी बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं, तो इस पे आपको ये और भी कम का कॉस्ट करने वाला है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8 Gen 2 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है, जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। तो यहाँ पे भी आपको 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिल रहा है, इसके अंदर भी आप परफॉर्मेंस गेमिंग हाई सेटिंग्स पे बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। तो ये आता है LPDDR5X RAM टाइप पे एंड UFS, जिसका 128GB जो स्टोरेज वेरिएंट है, वो उसके अंदर आपको UFS 3.1 मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसका हायर वेरिएंट लेते हैं, यानी कि 256GB वाला जो स्टोरेज वेरिएंट अगर आप बाय करते हैं, तो UFS 4.0 आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन टॉप नॉच लेवल पे है। 5160mAh की आपको ये बैटरी मिलती है, जो सपोर्ट करती है 120W के चार्जिंग स्पीड को। प्लस यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा है, LTPO एक AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में भी टॉप नॉच लेवल पे है। तो यहाँ पे आप ये दो फोन को कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस वाइज एंड स्पेसिफिकेशन वाइज ये फोन दोनों ही टॉप नॉच लेवल पे हैं। अब बात करते हैं अगर जिनके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी आप दो फोन चेकआउट कर सकते हैं। एक है Vivo V30 Pro, तो इसकी जो कैमरे की पार्टनरशिप है वो है जाइस के साथ, तो आप यहाँ पे काफी आपको बेटर फोटोज मिल सकते हैं। अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 MP का वाइड कैमरा जिसके अंदर OIS का सपोर्ट है, 50 MP का टेलीफोटो लेंस जिसमें आप 2x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, 50 MP का अल्ट्रा वाइड भी है। साथ ही आपको फ्रंट कैमरा
कैमरे में भी 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो ये फोन कैमरे के मामले में भी काफी अच्छा है। साथ ही बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, जिसका अंततः स्कोर भी 1 मिलियन के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो OS है वो फनटच 14 है, बहुत से लोगों को इसका OS पसंद भी आ सकता है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो सपोर्ट करती है 80 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। तो ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा है। प्राइसिंग की बात करें तो जो इसका 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करने वाला है 40,660 रुपीज का। अभी के टाइम पे ये बहुत ही बेस्ट प्राइस पे चल रहा है। डिस्प्ले के मामले में भी बात करें या फिर कैमरे के मामले में बात करें बैटरी के, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है इस फोन के अंदर। प्लस यहाँ पे जो दूसरा फोन आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको लेटेस्ट एक कैमरे वाला फोन चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं Xiaomi 14 CV, जो कि अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है सिनेमैटिक विजन के साथ। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोग्राफी इस फोन के अंदर आपको काफी बेस्ट मिलने वाली है। प्लस जो इसकी पार्टनरशिप है लाइका के साथ, तो यहाँ पे भी आपको कैमरे की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की नीड है। अगर यहाँ पे इसकी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का आपको वाइड कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक वाइड कैमरा मिलता है एंड दूसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि आपको फ्रंट में भी एक डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, बैक में भी आपको यहाँ पे टेलीफोटो लेंस मिल रहे हैं, लाइका के साथ पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे आपको ये फोन काफी बेस्ट मिलने वाला है कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर की भी बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल रहा है Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8s Gen 3 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। एंड इस फोन का जो अंततः स्कोर है वो भी 1.5 मिलियन आपको यहाँ पे अंततः स्कोर मिलने वाला है। तो यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन बिल्कुल पीछे नहीं है। यहाँ पे आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। बैटरी की बात करें, हालांकि यहाँ पे आपको जो बैटरी दी गई है वो आपको यहाँ पे थोड़ी छोटी दी गई है, दैट इज 4700 आपको mAh की बैटरी मिल जाती है जो सपोर्ट करती है 67 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। अगर मैं ओवरऑल इस फोन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले, बैटरी एंड कैमरा भी काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी। इवन प्राइसिंग की बात की जाए तो ये फोन, तो इस फोन का जो प्राइस है जो 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 39,999 का। 40,000 के अंदर फोन है, अगर आप बैंक डिस्काउंट्स लगाते हैं तो अभी और भी कम का कॉस्ट करने वाला है। पर आप ये देखिए कि इतने अच्छे फोन्स आपको बेस्ट प्राइस पे मिल रहे हैं अभी के टाइम पे। सो इस फोन्स का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। तो अब बात करते हैं जिन लोगों को ऑलराउंडर फोन चाहिए, यानी कि कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस भी, बैटरी लाइफ भी, तो ओवरऑल जो चीजें हैं ना बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, सारी चीजें ना बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी नजर में अभी एक फोन है एंड दैट इज रियलमी GT6, जो कि अभी परफॉर्मेंस के मामले में भी, कैमरे की क्वालिटी के लिए आप यहाँ पे बात करें, डिस्प्ले की बात करें, काफी ज्यादा अच्छी है। 6.78 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 6000 nits की पिक ब्राइटनेस है। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8s Gen 3 है जो वर्क करती है 4nm के चिपसेट पे। एंड इस फोन का जो अंततः स्कोर है वो भी 1.4 मिलियन आपको यहाँ पे अंततः स्कोर देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रही है जो सपोर्ट करती है 120 वॉट के चार्जिंग स्पीड को। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हमने इस फोन को टेस्ट किया तो लिटरली बता रही हूँ इस फोन का जो कैमरा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, डिस्प्ले तो बिल्कुल ही टॉप नॉच लेवल पे, परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप हायर सेटिंग्स में गेमिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो आपको बैटरी लाइफ भी मिल रही है वो भी काफी ज्यादा आपको अच्छी मिल रही है, 5500 mAh की बैटरी मिल रही है जो कि सपोर्ट करती है सुपर फास्ट चार्जिंग स्पीड को। तो आपको यहाँ पे बैटरी में भी कोई इशू नहीं आने वाला है, डिस्प्ले में तो बिल्कुल भी नहीं, कैमरे की क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिल रही है। जो भी हमने यहाँ पे फोटोज लेके देखे हैं वो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे परफेक्ट दिखाई देंगे। अब इस फोन की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो जो इसका 8GB रैम प्लस 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करता है 37,600 का। सो ये अभी के टाइम पे बिल्कुल ही बेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा एक और फोन आप देख सकते हैं सैमसंग का ही, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है, कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन काफी अच्छा है। हालांकि ये फोन यहाँ पे थोड़ा सा पुराना जरूर है लेकिन अभी भी ये काफी अच्छा काम करता है। तो ये दो फोन मैं आपको इस कैटेगरी में जरूर रिकमेंड करने वाली हूँ। बाकी अगर आपको Realme GT6
की डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे है, जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। सो ऑलराइट दोस्तों, ये कुछ ऐसे फोन है जो आपको अंडर 40,000 में बेस्ट प्राइस पे मिलने वाले हैं, बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहे हैं एंड अलग अलग प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से भी मैंने आपको फोन रेकमेंड कर दिए हैं। बेस्ट कैमरा फोन भी बताया है, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन भी बताया है मैंने आपको, यहाँ पे ऑलराउंडर फोन भी बताया है। तो आप इन चीजों को अपने माइंड में रखें, इन फोन्स को बाय कर सकते हैं। इन सभी फोन्स का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाके चेकआउट करिए, अभी बेस्ट प्राइस पे आपको मिल रहे हैं एंड ये हाई टाइम है, राइट टाइम है एक स्मार्टफोन बाय करने का। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे फोन बाय कर सके, अगर वो भी अंडर 40,000 में एक बेस्ट फोन बाय करना चाहते हैं तो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।